हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 5 सेल। सेल हम लोग जानते हैं पहले कि क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और सेल से ही हमारी पूरी बॉडी निर्मित होती है, अर्थात बनी होती है। हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है। जैसे हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट हैं, जितने भी ऑर्गेन्स हैं, सब किसके बने हैं? सेल से बने हुए हैं। जैसे स्किन हो गया, मसल्स हो गया, बोन हो गया, ये सब किसके बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। और सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। फिर टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है। फिर ऑर्गेन से क्या बन जाता है? बॉडी। बस हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गेन्स, ऑर्गेन से बन गया हमारी पूरी बॉडी। हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर बन गया। ढेर सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, ढेर सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गेन्स बनते हैं, और ढेर सारे ऑर्गेन्स बन के बॉडी एक बनाते हैं। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं सेल्स क्या है। तो व्हाट इज सेल? तो सेल क्या है? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है? हमारे बॉडी का प्रथम इकाई है। सेल क्या है? प्रथम इकाई है। और इसी से हमारी बॉडी फंक्शन करती है। क्या करती है? फंक्शन करती है, कार्य करती है। नई स्ट्रक्चर अर्थात संरचना जो हमारी बॉडी की, किससे बनी है? सेल से। तो ये हमारे सेल हमारे अंदर कार्य भी करता है, और क्या, इसी से हमारा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, अर्थात हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो इसी लिए इसको क्या कहते हैं? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेन्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्या बता रहा है? ऑल लिविंग ऑर्गेन्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे ऑर्गेनिम्स क्या हैं? सेल से बने हुए हैं। एंड देयर बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इनसाइड दिस सेल। बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये सब क्या हैं? ये सब एक एक्टिविटीज हैं, अपघटन है, जो कि हमारे सेल के अंदर प्रोसेस में रहते, कार्य करते हैं, होते रहते हैं, घटित होते रहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इनसाइड दिस सेल। ये सब हमारे बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहाँ होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। सो दिस सेल इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए हम क्या कहते हैं? सेल हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब हम और आगे देखते हैं। सेल क्या है? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आगे क्या देखते हैं? स्टडी ऑफ सेल, ये तो हम पहले बता चुके हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ दी, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ दी वर्ल्ड क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या है स्मॉलेस्ट सेल? माइकोप्लाज्मा। इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में? PPLO भी कहते हैं, PPLO। फिर ह्यूमन बिगेस्ट सेल इन स्पर्म, सबसे बड़ा सेल क्या है ह्यूमन का? ह्यूमन में, मानव जात में सबसे बड़ा सेल क्या है? स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है। एंड ह्यूमन लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन्स है। ह्यूमन लार्जेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन है। ये सब ध्यान में रखने योग्य पॉइंट है, इसलिए विशेष ध्यान रखना। ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल क्या है? फीमेल ऑबम। ये गलती से लिख गया है बिगेस्ट, ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। क्या होगा? स्मॉलेस्ट। क्या होगा? स्मॉलेस्ट। क्या होगा? स्मॉलेस्ट। ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट। देयर इज नो डिविजन ऑफ द
ऑफ सेल इन ब्रेन, देयर इज नो डिवीजन ऑफ सेल इन ब्रेन। ये बहुत विशेष पॉइंट है, क्या करना है, सेल का डिवीजन हमारे बॉडी में ब्रेन में अर्थात ब्रेन में नहीं होता है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ सेल इन द ब्रेन, हमारे बॉडी में सेल की डिवीजन नहीं होती है, हमारे ब्रेन में सेल का डिवीजन नहीं होता है। देयर इज अ वेरी फास्ट सेल डिवीजन इन लीवर, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है, क्या है, देयर इज वेरी फास्ट सेल डिवीजन इन लीवर। लीवर में क्या होता है कि बहुत फास्ट सेल डिवीजन होता है। तो ये सब रहे विशेष पॉइंट, इसको हम पढ़ लें। अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, आखिर सेल को खोजा किसने, अर्थात सेल की खोज किसने की, सेल की खोज किसने की। तो सेल की खोज किसने की, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, कौन किया, रॉबर्ट हुक ने। सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, कभी इन्होंने डिस्कवर किया था 1665 में, इन्होंने कब डिस्कवर किया था 1665 में। ही ऑब्जर्व इन द सेल इन द कॉर्क सेलेंस विथ द हेल्प ऑफ अ प्रिमेटिव माइक्रोस्कोप, इन्हें प्रिमेटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू एक कॉर्क में इन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था अर्थात देखा था। किस माइक्रोस्कोप से देखा था, प्रिमेटिव माइक्रोस्कोप से देखा था, और किस में देखा था, कॉर्क में देखा था, स्लाइड के माध्यम से किस में देखा था, कॉर्क में देखा था। फिर दूसरे साइंटिस्ट हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं लीवेनहॉक, इन्होंने सेल को 1674 में देखा था, और भी किससे, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से, किससे देखा था, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से, उसी को और अच्छे से इम्प्रूव किया गया था। लीवेनहॉक इन 1674 विथ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री सेल, फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी। अभी आपने जो रॉबर्ट हुक को पढ़ा, उन्होंने कॉर्क में डिस्कवर किया था, वो भी नॉन लिविंग सेल था, वाटर में, एक तालाब में, ठीक है। फिर रॉबर्ट ब्राउन, इट वाज अ रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अब सेल की तो खोज हो गई, अब इन्होंने सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है सेंटर में, उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, क्या, किसकी खोज की थी, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसको विशेष ध्यान रखना कि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों अलग अलग है, इसलिए रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी, और रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। एक पुरकिंजे फिर है, पुरकिंजे 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ देखा था, उसको क्या इन्होंने नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म। जैसे ये है, इस सेल के अंदर ये जो फ्लूइड सी सब्सटेंस दिख रही है, ये सब क्या है, फ्लूइड जैसा है ये। इन्होंने इसको, फ्लूइड सब्सटेंस को खोज की थी, उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, इसका नाम दिया था इन्होंने प्रोटोप्लाज्म, इसका नाम क्या दिया था, प्रोटोप्लाज्म। किसका नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म।
विक सेडविन एन स्वयन क्या है साइंटिस्ट हैं एंड दी सेल थ्योरी डेट ऑल दी प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल इन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि दी डेट ऑल दी प्लांट एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ दी सेल सारे प्लांट और एनिमल्स किसके बने हुए हैं सेल के बने हुए हैं किसके बने हुए हैं सेल के बने हुए हैं एंड डेट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ और ये सेल क्या है बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ वॉज प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट और ये दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा थ्योरी दी गई थी एक थे स्वीडन एक थे स्वान और इन्होंने कब दिया था 1938 और 1939 में दो साइंटिस्टों ने इस थ्योरी को दिया था एक थे फिर दूसरे हमारे साइंटिस्ट आते हैं बिग्रो एंड दिस सेल थ्योरी वाज द फर्दर एक्सपेंडेड और इन्हीं थ्योरी को इन्होंने एक्सपेंड किया और बढ़ा आगे लेके गया डिस्कवर की बाय द बिग्रो 1855 और ये 1855 में बाय सजेस्टिंग दैट द अर्थ सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल कि हमारे जो सेल्स थे वो पहले किसी ना किसी सेल से डिवाइड होकर बने हुए अर्थात कि हमारे जो सेल रिटर्न प्री एग्जिस्टिंग सेल जो सेल बना है कोई ऐसा सेल था जिससे डिवाइड होकर दूसरा सेल बना हुआ है इनका कहने का मतलब है कि कोई भी सेल अगर बनता है तो कोई एक पहले सेल रहता है उसी से डिवाइड होकर सेल बन सकता था नहीं बन सकता है ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल विथ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्होंने किसके थ्रू डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू 1940 में इट वॉज पॉसिबल टू दी ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और उन्होंने ऑब्जर्व किया और समझा अध्ययन किया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सेल के जटिल संरचना को समझा एंड इट्स वेरियस ऑर्गन्स और उनके ऑर्गन्स को समझा जैसे हम आपको दिखाते हैं सेल की स्ट्रक्चर ये सेल है सेल के अंदर क्या है न्यूक्लियस सेल के अंदर क्या है न्यूक्लियस है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी इसमें क्या है गोल्जी अपैरेटस है क्या है गोल्जी अपैरेटस है उसके बाद ये गोल्जी अपैरेटस है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस एनवेलप है ये क्या है न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ से घेरा हुआ क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लाइसोसोम्स है राइबोसोम्स है माइटोकॉन्ड्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल इसका दूसरा नाम क्या है पावर हाउस ऑफ द सेल और फिर क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आप लोग इसका नाम केवल अभी ध्यान रखिए अभी एक एक ऑडियंस को हम आगे डिटेल में कवर करते हैं अभी बताते हैं और ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल सेल के स्ट्रक्चर हैं जैसे स्मूथ मसल सेल हो गया ब्लड सेल हो गया नर्व सेल हो गया ओबम हो गया ये भी क्या है सेल है स्पर्म हो गया बोन सेल हो गया फैट सेल हो गया ये सब क्या है वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी है वेरियस टाइप ऑफ सेल है किसके ह्यूमन बॉडी के और आगे हम चलते हैं अब सेल देखते हैं कितने टाइप के होते हैं सेल कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के होते हैं आज हम ये देखेंगे सेल कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के होते हैं वो दो टाइप कौन से होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और क्या होते हैं मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं यूनिसेलुलर क्या होता है जो भी जीव एक सेल से बना हो जो भी जीव एक सेल से बना हो उसे क्या कहते हैं यूनिसेलुलर कोई भी ऑर्गेनिम्स ऐसा हो जो एक सेल से बना हो क्या कहे यूनिसेलुलर है और जो मल्टीसेलुलर मींस जो कई सेल
के समूह से बने हों उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। कई ढेर सारे सेल के समूह से बने हों ऐसे एक में मिलके उनको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब यूनिसेलुलर को पढ़ते हैं, इट नोन एज जी नोन एज दैट द सिंगल सेल मे बी कंस्टिट्यूट एंड होल ऑर्गन्स एज अनुबा, जैसे अनुबा हो गया, कमेनो मोनास हो गया और पैरामीशियम हो गया, क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया एंड बैक्टीरिया हो गया, ये सब किसके बने हैं, सिंगल सेल के, यूनिसेलुलर रहेंगे। एंड दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर, यूनि का मीन्स सिंगल सेल के बने हुए हैं। अब देखते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेन्स क्या होते हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेन्स हैव मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी, क्या होते हैं, एक बॉडी में ढेर सारे सेल्स होते हैं और सेल्स के ग्रुप होते हैं, मतलब एक बॉडी ढेर सारे सेल्स से मिलके बनते हैं। एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन, और उनके क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, सेल्स के अलग अलग कार्य होते हैं। एंड इन दी फॉर्म ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग कार्य होते हैं, और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल्स के मिलके बने होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स, मल्टी मीन्स मैनी, सच एज सम फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स, उसमें क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर में फंजाई आते हैं, प्लांट्स आते हैं एंड एनिमल्स, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी मीन्स क्या होता है, मैनी होता है, मल्टी मीन्स मैनी होता है, मतलब ढेर सारे सेल्स के मिलके बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर